सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर में इसमें असुविधाओं की भरमार है। वैसे तो ये अस्पताल लगभग 3 साल पहले ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा हासिल कर चुका है, लेकिन आज तक इसका बोर्ड तक नहीं बदला गया। तो इसके अंदर सुविधाओं में क्या बदलाव हुआ होगा, इसका आंकलन ही लगाया जा सकता है। ना तो इस हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट करने के लिए कोई भी आधुनिक लैब है। ये हॉस्पिटल मौजूदा समय में बरसों पुराने जर्जर हो चुके भवन में चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर में इस समय असुविधाओं की भरमार है। वैसे तो ये अस्पताल लगभग 3 साल पहले ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा हासिल कर चुका है, लेकिन आज तक इसका बोर्ड तक नहीं बदला गया है। तो इसके अंदर सुविधाओं में क्या बदलाव हुआ होगा, इसका आंकलन ही लगाया जा सकता है। ना तो इस हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट करने के लिए कोई भी आधुनिक लैब है और ना ही लैब टेक्नीशियन। ये हॉस्पिटल मौजूदा समय में वर्षों पुराने जर्जर हो चुके भवन में चल रहा है। आपको बता दें कि रविवार के दिन हरिपुर अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवाओं की भी छुट्टी होती है। इस दिन कोई भी चिकित्सक यहां अस्पताल में सेवाएं देने नहीं पहुंचता है, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ता है। अस्पताल सिर्फ एक डॉक्टर के सहारे चल रहा है। रविवार के दिन यहाँ मरीजों का स्वास्थ्य सिर्फ एक फार्मासिस्ट के हवाले होता है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इलाके की दर्जन भर पंचायतों के लोगों को एकमात्र यही अस्पताल सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूदा समय में ना तो पर्याप्त डॉक्टर हैं और ना ही स्टाफ। हैरानी की बात तो ये है कि अस्पताल आज भी वर्षों पहले बने पुराने भवन में चल रहा है, जो कि मौजूदा समय में पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। वहीं कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवासीय परिसर भी गिरने की कगार पर है। लोक निर्माण विभाग देहरा की माने तो इस अस्पताल के नए बनने वाले भवन का टेंडर भी हो चुका है, लेकिन सिवाय उद्घाटन के यहाँ पर एक पत्थर तक आज दिन तक नहीं लगा है। इस पूरे मामले पर समाज सेवी एवं देहरा भाजपा युवा नेता सुकृत सागर का कहना है कि प्रदेश सरकार ने तो अभी हाल ही में 4 डॉक्टर हरिपुर हॉस्पिटल के लिए नियुक्त किए थे, लेकिन उनमें से एक भी डॉक्टर का यहां ज्वाइन न करना दुखद है। और बाद में जब एक पुराने डॉक्टर के वापस यहां ज्वाइन किया तो यहां पहले से कार्यरत एक महिला डॉक्टर उसी दिन छुट्टी पर चली गई, जिनको बाद में कहीं और डेपुटेशन पर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री महोदय से मांग करेंगे कि इस बात की जांच हो कि उन 4 डॉक्टरों ने यहां ज्वाइन क्यों नहीं किया और क्यों महिला डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति कहीं और लगा दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर काफी लंबे समय से यहां पे लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, डॉक्टरों की कमी भी यहां पे है। हालांकि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पे 4 डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश जरूर किए थे, लेकिन उनमें से एक भी डॉक्टर ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। और यहाँ पे जो कार्यरत पहले एक महिला डॉक्टर थी, उनकी भी प्रतिनियुक्ति कहीं और लगा दी गई है। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से इस बात को रखूंगा आपके समक्ष कि इस मामले की जांच भी की जाए कि क्यों 4 डॉक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया और क्यों एक महिला डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति कहीं और लगा दी गई। तो अभी कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर है और ये मामला मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में नहीं होगा। उनको इस बात का नहीं पता होगा कि जो 4 डॉक्टरों की उन्होंने नियुक्ति की थी उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है और एक महिला डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति कहीं और लगा दी गई है। तो ये सारा मामला उनके संज्ञान में लाया जाएगा जल्द, और आशा करते हैं कि जल्द यहाँ पे और नए डॉक्टरों की नियुक्ति हो और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इस बारे में जब CMO कांगड़ा गुरदर्शन गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में स्टाफ और डॉक्टरों की कमी के बारे में उच्च अधिकारियों और सरकार को अवगत करवाया गया है। इस समय अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है। PSC हरिपुर को CSC अपग्रेड किया गया था। जो वहाँ पे बिल्डिंग है वो काफी पुरानी है, ठीक है, विभाग ने उसका नोटिस लेके नई बिल्डिंग बनाने का प्रावधान कर दिया है और उसके पैसे भी काफी सारे पैसे 1 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसा PWD के पास जमा करा दिया गया है, ठीक है, और उसका निर्माण जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। और सर डॉक्टर के डॉक्टर्स के वहाँ पे 4 पद हैं स्वीकृत हैं। प्रेजेंटली वहाँ पे एक ही डॉक्टर कार्यरत है। सरकार ने पिछली जो नियुक्तियां की उसमें 2-3 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी की थी, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मामला सरकार के ध्यानार्थ है, पर नियुक्ति करना जो है सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार से मामला उठाया गया है और जल्दी ही वहाँ और चिकित्सक भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे
पैरामेडिकल स्टाफ पर्याप्त मात्रा में वहाँ उपलब्ध है। पूर्व प्रधान प्रवीण कुमार हरिपुर और उप प्रधान भटेड़ बासा सुमन कुमार ने कहा कि हरिपुर अस्पताल में स्टाफ की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि यहां के लोगों को सुविधा मिल सके। मैं पूर्व प्रधान प्रवीण कुमार हरिपुर, हरिपुर सीएससी हॉस्पिटल की दशा इतनी ख़राब है कि मात्र एक डॉक्टर के सहारे यहां की 16 पंचायतों के लोगों को सुविधा के लिए आना पड़ता है, मगर डॉक्टर एक होने के कारण यहाँ पर दिन को सुविधा मिलती है और रात की सुविधा के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं है। एक लेडीज डॉक्टर आकृति गुप्ता थी, वो भी डेपुटेशन के ऊपर, अभी एक दो दिन पहले तरकाटा पीएससी में चली गई है। और सरकार ने जो 4 डॉक्टरों के ऑर्डर किए हुए थे उनमें से भी एक डॉक्टर भी आज दिन तक यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए और साथ में यहाँ पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सुविधा भी दी जाए। और यहाँ तक यहाँ पर लैब टेक्नीशियन भी नहीं है, एक छोटे से ब्लड टेस्ट के लिए भी लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, प्राइवेट टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। तो आए दिन सरकार नए नए वादे कर रही है, सुविधाएँ देने की बातें करती है, मगर हरिपुर सीएससी में यहाँ पर सुविधा नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत भटेड़ बासा, एक हमारा 2-3 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल है हरिपुर सीएससी, गवर्नमेंट ने उसको सीएससी कर दिया, मगर ना तो उसमें कोई अल्ट्रासाउंड है, ना कोई सीटी स्कैन है, ना कोई लैब है उसमें, ना ही कोई मूलभूत अन्य सुविधाएँ। नाम का सीएससी बना रखा है गवर्नमेंट ने, पर यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दिखती है हमें जो कि होनी चाहिए, जो एक इलाका वासियों को इसकी सुविधा मिल सके। और पिछली कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री मोदी ने 4 डॉक्टर यहाँ के लिए अपॉइंट किए थे, उनमें से आज तक एक भी डॉक्टर अपॉइंट नहीं हुआ। एक आई थी निधि गुप्ता क्या नाम था उसका, वो भी चली गई है, पता नहीं छुट्टी पर गई है या यहाँ से चली गई है। अंदर से ना कोई दवाई है लोगों को, ना कुछ है, ना मतलब बिल्कुल ही खराब हालत है हमारे हॉस्पिटल के। इससे सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं बहुत जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाएं।